क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, 3p² q r - 2 upon 2p - 1 q³ (2p³r)-1। ठीक है, ये सवाल हमें दे रखा है। तो पहले क्योंकि स्क्वायर है पूरे ब्रैकेट के बाहर, तो हम सबकी सारी की गुणा इस 2 से हो जाएगी, है ना। यानी 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 × 3 = यहाँ पे क्या आ गया, 9। ठीक, फिर p का स्क्वायर है तो 2 × 2 = 4, p 4 आ गया, q स्क्वायर आ गया, r माइनस 2 की गुणा 2 से हो गई, तो 2 × 2 = 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, अपॉन ये 2 × 2 = 4 आ गया, p माइनस 1 की गुणा 2 से हुई, 1 × 2 = 2, है ना। अब q 3 की गुणा 2 से होगी, 3 × 2 = 6। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई का साइन लगाएंगे, और ये माइनस 1 इसकी पावर दे रखी है, तो हम इसे रेसिप्रोकल कर लें, 1 upon लिखेंगे, तब पॉजिटिव में आ जाएगी 2p³r। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका साइन ये मल्टीप्लाई करके हम इसको आगे की संख्या को पलटेंगे इसको, तो 9 upon 4 p² q² (r - 4) / p - 2 q(6)². अब ये 2p³r ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ गया, है ना। अब ये कट सकता है यहाँ पे, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, हम इसको काट लेते हैं। अब क्या बचा आगे, इस ऊपर ऊपर की गुणा हो जाती है ना, तो 9। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमको मालूम है जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर जुड़ जाती है ना, x³ (m) × x³ (n) होगा, तो क्या होगा, x³ (m+n) हो जाता है ना, ये हमको मालूम है। तो हम या तो यहीं पे जोड़ दें इसको, तो देखिए 9p4 और यहाँ पे 3 है, तो p4 + 3 हो गया, है ना। और ये q यहाँ पर स्क्वायर है, और r -4 है, -4, और ये +1 अपॉन क्या आ गया, ये तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो वैसे वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा हो रही है, -2q6। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ये जोड़ रहे हैं, 9p4 + 3 = 7 आ गया, q² हो गया, और r क्या है, -4 + 1, यानी कि 4 में से 3 बचा, है ना, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि 4 बड़ा है, अपॉन क्या आ गया, 2p - 2q6। ठीक है, अब आपको मालूम है जब डिवाइड का डिवाइड होता है तो क्या होता है, पावर्स को हम घटा देते हैं, ये ऊपर जाएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, मतलब साइन बदल जाएंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, 9p7 है, p को ऊपर जाएंगे तो माइनस का 2 प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब q वाला सॉल्व करेंगे, q² है, अब इस वाले नीचे वाले q को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और r नीचे r को दे नहीं रखा है, यानी माइनस का 3 है, अपॉन क्या बचा नीचे, 2 बचा सिर्फ। ठीक है ना, अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9p7 + 2 = 9 हो गया, q 6 में से 2 हो जाएंगे, 4 बचेंगे, लेकिन माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि 6 बड़ा है, जो बड़ी संख्या होती है उसी का साइन आता है। ठीक है, r -3/2 हो गया। ठीक है, अब जो माइनस वाले हैं उसको हम नीचे लिख देंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, और जो प्लस वाले हैं उनको ऊपर ही रहने देंगे। ठीक है, यानी कि 9p9 हो गया / 2, ये q 4 आ गया, और ये r क्यूब आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है।